हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, तो फाइनली सीएम इंस्टीट्यूट ने जारी कर दिया सर्कुलर आपकी स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग और दे दिया अपना जवाब। जवाब साफ है बेटा, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की है, तो यहाँ पर एक बार फिर से इंस्टीट्यूट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है और बताया आपको कि अगर आपके पास अभी तक भी स्किल ट्रेनिंग का मेल नहीं आया है, क्रेडेंशियल्स नहीं आए, तो आप क्या दिसंबर एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, वो उसके बाद में ले लेगा। तो डेट क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार पूरा इस वीडियो में जरूर देखना ताकि पूरी क्लैरिटी आप लोगों को यहाँ पर रहे। अब बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने बेटा अभी आज ही अपने पास में सर्कुलर जारी किया और कहा, 8 अक्टूबर को बोला है कि नॉर्मली आपके पास स्किल ट्रेनिंग, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या फाइनल वाले पार्ट को लेके हो, जो बच्चे दिसंबर एग्जामिनेशन दे रहे हैं गाइस, तो क्लियरली मेंशन कर दिया। देखना यहां पे बोला भैया, जो स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं फाइनल इंटर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर 24 में, तो उन बच्चों को अभी अपने जो भी स्किल ट्रेनिंग का पार्ट है उसकी डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड 28th of February 2025। हाँ सही सुना, अपनी 28 मतलब पूरे फरवरी के एंड तक आप लोग अपने पास में अपनी स्किल ट्रेनिंग कर पाओगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हो। और क्लैरिफाई किया नीचे इसी बात को, बोला भैया लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आपके पास में, जो आपको रिसीव अभी तक नहीं हुए थे, बच्चे लगातार परेशान हो रहे थे, लॉगिन क्रेडेंशियल को लेकर भी बोल दिया साफ साफ कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के जो आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, सबमिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपके लॉगिन क्रेडेंशियल आपको भेजने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं बौद्ध ग्रुप दे रहा था, सेकंड ग्रुप दे रहा था, तो मुझे स्किल ट्रेनिंग दिसंबर से पहले करनी थी। अब वो लिमिटेशन यहां पर आपको एक तरीके से बेनिफिट के रूप में मिल जाती है और ये आप अपनी फरवरी तक कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, एनरोलमेंट आपने कर रखा है, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया, अपनी तैयारी को फोकस करना है। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन भी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी फीस सबमिट कर दी, उन बच्चों को भी ये जैसे ही इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद से ही आप लोगों को आपके क्रेडेंशियल मिलना चालू हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली यहां मेंशन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले अपनी स्किल ट्रेनिंग की हुई थी, तो बहुत डाउट रहता कि सर दोबारा करना पड़ेगा, आंसर इज नो। इंस्टीट्यूट ने क्लियरली मेंशन किया, अगर आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको दोबारा इसके अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट की मेल आईडी पर अपने पास खुद को मेल कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। बट आप लोगों को साफ तौर पर एक जवाब मिल चुका है इंस्टीट्यूट की साइड से, दिसंबर 24 एग्जाम दे पाएंगे अगर आपकी स्किल ट्रेनिंग नहीं भी हुई है तो, एक क्रेडेंशियल नहीं भी आए हैं तो फोकस करो गाइस अपने एग्जामिनेशन के ऊपर और 28 फरवरी 2025 तक का टाइम आपको मिल जाता है अपनी स्किल ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती है गाइस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।